फैसला इसी चीज को देखते हुए लिया है, क्योंकि वो लगातार देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं कि लगातार छात्र उग्र हो रहे हैं। अगर अभी उनको शांत नहीं कराया गया तो वाकई में स्थिति आने वाले समय में और खराब हो सकती थी, लेकिन समय रहते हुए अब जो फैसला लिया है तो वाकई में फैसला बेहतर लिया है, क्योंकि लगातार छात्र उग्र हो रहे थे और उन्होंने आज भी कई जिलों में प्रदर्शन किया है। कई जिलों की तस्वीरें हमने देखी है, मुजफ्फरपुर में भी प्रदर्शन हुआ है और कहीं ना कहीं जो ये प्रदर्शन है ये एक बड़ी रूपरेखा तैयार हो रही थी और रेलवे ने जो ये फैसला लिया है तो वाकई में बेहतर फैसला लिया है, सही समय पर बिल्कुल बेहतर फैसला लिया है। इस फैसले के बाद क्या अभ्यर्थियों में खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये भी तस्वीर आज की है, क्या प्रदर्शन अभी जारी रहेगा, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रदर्शन अभी कई जिलों में चल रहा है। अब बिल्कुल देखिए, अभी भी कई जिलों में प्रदर्शन चल रहा है, हमने बताया लगातार हम बता रहे हैं कि अब जो छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उनके पास जानकारियां पहुंच रही हैं कि रेलवे ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, ये डिसीजन ले लिया है, अब जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो एग्ज़ाम अभी तो नहीं होने हैं, क्योंकि मार्च तक समझ सकती हैं, अभी जनवरी चल रहा है, 26 जनवरी है, एंड चल रहा है महीने का, और मार्च तक जो समिति है उनको अपना जो पूरी तरीके से जाँच कर लेनी है, चीज़ों को देख लेना है कि आखिर क्या फैसला लिया जा सकता है, तो वो मार्च में प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभी 2 महीने का समय है, तो बाकी स्टूडेंट को अब जब पता लग रहा है धीरे धीरे, तो अब कहीं ना कहीं वो शांत हो रहे हैं, स्थितियां नियंत्रण हो रही हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट भी समझ रहे हैं कि कम से कम 2 महीने का तो वक्त लगेगा, लेकिन अगर आने वाले वक्त में कुछ बेहतर फैसला नहीं लिया जाता है तो एक बार फिर से वही स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि रेलवे को अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जांच इसमें करने की ज़रूरत है, अब पूरी तरीके से स्थितियों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो तस्वीरें अभी देखने को मिल रही थी बिहार में अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही थी, वो तस्वीर कहीं रेलवे जो फैसला लेगा मार्च में तो उस वक्त वो तस्वीर एक बार फिर ना दिखे। रेलवे के छात्रों के अगर हित में फैसला उस वक्त आता है तो कहीं ना कहीं स्थितियां ये फैसला भी कहीं ना कहीं छात्रों के हित में ही रहा, लगातार जिस चीज को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि वो आंसर शीट रीचेक की मांग कर रहे थे, इसको लेकर अब तक फैसला नहीं आया है। बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जो परीक्षा है, जो परीक्षाएं हुई थी वो रद्द हो गई है। निषेध आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल निषेध, ये मांग कर रहे थे लगातार छात्र कि जो आंसर सीट है वो रीचेक हो, यानी कि जो परिणाम है उसमें बदलाव किए जाए। हालांकि बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि परीक्षा रद्द हो चुकी है, कहीं ना कहीं छात्रों में भी खुशी तो देखने को मिल ही रही होगी बोर्ड के इस फैसले के बाद। अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे